देखिए ललन सिंह जी को बोलने की बीमारी है, इस बीमारी का इलाज मुझे लगता है नीतीश कुमार को जल्द कराना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार जी को भी सत्यानाश करके ये छोड़ेंगे। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार विधानमंडल के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा है, सरकार के द्वारा जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश किया गया है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, बीजेपी ने क्रेडिट ले लिया है जातिगत आधारित जनगणना को लेकर। जिस तरह से बिहार में रोजगार को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मामला सामने आया था, इधर तेजस्वी यादव की पार्टी कह रही थी कि रोजगार हमने दिया है, इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कह रही थी कि रोजगार हमने दिया है। इसी बीच बिहार बीजेपी ने कह दिया है कि रोजगार हमने दिया है, हमारी पार्टी ने रोजगार दिया है, महागठबंधन की सरकार ने नहीं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कहते नजर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार से सीखना चाहिए, देखिए उनके इस बयानों को लेकर भी बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह नीतीश कुमार को बर्बाद करके छोड़ेंगे, नीतीश कुमार को सत्यानाश करके छोड़ेंगे। देखिए तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। नहीं देखिए, स्वाभाविक है कि जिस प्रकार का प्रतिवेदन आया है या प्रशासनिक खामियां हैं, बेहतर ढंग से सर्वेक्षण नहीं किया गया, कई परिवार छूट गए, कई सामाजिक वर्ग के नेता का लगातार आरोप है कि अब उनके समाज की संख्या को कमतर करके दिखाया गया, पूर्व के कई जो प्रतिवेदन है एनसीना इंस्टीट्यूट का जो प्रतिवेदन है, और अब जब अभी सरकार के प्रतिवेदन से जब तुलना करेंगे तो लगता है कि संख्या उनकी घटी है। ये सारे कई दोष हैं, इसलिए यह कहीं कहीं सशंकित करता है। लेकिन जाति और आर्थिक सर्वेक्षण के हम सब पक्ष में रहे हैं, हमारी सरकार ने किया कोई, या महागठबंधन की सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। शिक्षा में काफी कमी देखी गई है। नहीं, निश्चित तौर पर यही तो, यह देखिए सरकार का प्रतिवेदन सरकार के कई नाकामियों का पोल खोल रहा है। कहाँ लग रहा है कमी है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अभी तो आज प्रतिवेदन सदन में 2 बजे पेश होगा, लेकिन जो प्रतिवेदन की पुस्तिका है नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार से सीखना चाहिए इस तरीके काम जिन्होंने। देखिए ललन सिंह जी को बोलने की बीमारी है, इस बीमारी का इलाज मुझे लगता है नीतीश कुमार को जल्द कराना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार जी को भी सत्यानाश करके ये छोड़ेंगे। ये प्रधानमंत्री से पूरा डेलीगेशन, बिहार के सभी अलग अलग राजनीतिक दलों का डेलीगेशन मिला था और प्रधानमंत्री ने ही इन्हें इसकी सहमति दी थी, और जिस कैबिनेट में हमारे 14 मंत्री थे और मैं उप मुख्यमंत्री था, उसी कैबिनेट ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया, जातीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया। ये तो इंडी अलायंस को सीखना चाहिए कि एनडीए सरकार जो करती रही है वो उस कैसे उस पथ पर चले। इनकी तो पहले भी 15 वर्ष की सरकार थी, जनता दल यूनाइटेड भी बीच में महागठबंधन की सरकार में राजद के साथ थे, उस समय क्यों नहीं इन चीज़ों का लागू किया? आज भी जो इंडी गठबंधन है उसकी तो कई जगह सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, तो क्यों नहीं लागू किया? इस तरीके काम जिन्होंने। देखिए ललन सिंह जी को बोलने की बीमारी है, इस बीमारी का इलाज मुझे लगता है नीतीश कुमार को जल्द कराना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार जी को भी सत्यानाश करके ये छोड़ेंगे। ये प्रधानमंत्री से पूरा डेलीगेशन बिहार के सभी अलग अलग राजनीतिक दलों का डेलीगेशन मिला था और प्रधानमंत्री ने ही इन्हें इसकी सहमति दी थी, और जिस कैबिनेट में हमारे 14 मंत्री थे और मैं उप मुख्यमंत्री था, उसी कैबिनेट ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया, जातीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया। तो अभी आपने देखा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो बिहार में जाति आधारित जनगणना हुआ है वो हमारी सरकार में हुई थी, हम लोगों ने करवाया था, महागठबंधन की सरकार ले नहीं। साथ ही उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह
नीतीश कुमार को बर्बाद करके छोड़ेंगे, उनको सत्यानाश करके छोड़ेंगे, और भी क्या कुछ कहा बिहार के पूर्व मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने, आपने सुना। बस इसे रखे तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।